दिनांक 26/5/2021 को फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे मेरे बारे में यह अफवाह फैलाया गया कि मैं राष्ट्रीय जनता दल अखिलियत कमेटी के प्रदेश महासचिव पद से हटा दिया गया हूं। तो मैंने इसकी छानबीन की तो पता चला कि प्रदेश नेतृत्व को मेरे द्वारा कुछ गलत बातों से अवगत कराया गया था कि मैं सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में बहुत सारे गलत बयान देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के खिलाफ बयान देता हूं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इन सब बातों की जांच करते हुए आज पुनः आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह सर जी के द्वारा और बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद खालिद अंसारी साहब के द्वारा मुझे पुनः प्रदेश महासचिव पद पर आसीन करने का आदेश पारित किया है, आदेश निर्गत किया है। मैं प्रदेश महासचिव पहले भी था, आज भी हूँ। आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पे ध्यान न दें। मैं राष्ट्रीय जनता दल का पक्का कर्मठ समर्पित सिपाही हूँ और रहूँगा। समाज सेवा किया है, समाज सेवा करूँगा। जो भी मेरे सामने समस्या किसी भी साथी के द्वारा लाया जाएगा, उस समस्या के निदान करने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा। और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, करता रहूँगा। राष्ट्रीय जनता दल में आस्था व्यक्त करते हुए मेरे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रसाद यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जगदानंद बाबू, प्रोफेसर खालिद अंसारी साहब, मैं आस्था व्यक्त करते हुए आरजेडी पार्टी में हूँ और प्रदेश महासचिव पद पर बना हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया, इसको बनाए रखिए। शुक्रिया आपका। अपना रियाज अंसारी, प्रदेश महासचिव, बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर। देखिए, कल दिनांक 26/5/2021 को पार्टी के द्वारा एक सूचना जारी किया गया था कि हमारे राजद के बहुत ही मजबूत साथी और बड़े भाई रियाज अंसारी साहब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव के पद पर नहीं है। लेकिन कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसको पार्टी के बड़े जो नेता हैं, जो वरीय नेता हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जगदा बाबू और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खाली साहब के बीच में बातचीत हुई। और मुजफ्फरपुर से भी हमारे राजद के कई साथियों ने ये आग्रह किया पार्टी से, और आज पुनः एक सूचना जारी हुई है कि जिस तरह से रियाज अंसारी साहब प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद पर थे बने हुए, उसी तरह बने रहेंगे। और मैं महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी को और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जगदा बाबू को, तेजस्वी यादव जी को, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर खालिद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पुनः रियाज अंसारी साहब को ये जिम्मेदारी दी है। और मुजफ्फरपुर के लोगों में, महानगर मुजफ्फरपुर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कमेटी के लोगों में, मुजफ्फरपुर की जनता में इस बात को लेकर काफी हर्ष है। रियाज अंसारी साहब बहुत ही मजबूत साथी हैं, उनके आने से पार्टी और मजबूत है।